ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्य, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। तो जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना ने लोगों के काम पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है, जिसकी वजह से सभी बाजार इस वक्त मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। तो इसी बीच हम गफार मार्केट में मौजूद है और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कोरोना ने उनके काम पर क्या प्रभाव डाला है और इस समय उनकी स्थिति कैसी है। तो आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कोरोना ने आपके काम पे क्या असर डाला है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है इस समय? कोरोना से तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया है, बिजनेस तो जीरो हो गया है। जो पहले जो था, फुटफॉल है नहीं यहाँ पर, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ओवरऑल क्या है कि हाँ, अभी लोगों के अंदर अभी भी वो एक जो डर का माहौल है ना, वो तो बना हुआ है। उसी के कारण रीज़न ये है कि कस्टमर नहीं है मार्केट में। कोरोना से पहले ऐसा कभी हुआ है जो ऐसी हालत है अभी बाजारों की, पहले कभी हुई हो ऐसे? नहीं, कभी नहीं हुई, क्योंकि अब ये पूरा इम्पैक्ट इसी चीज का पड़ रहा है कि कोरोना से लोग डरे हुए हैं, लोग घरों से निकल नहीं रहे और जो उनका जो इकोनॉमी वाइज है वो वैसे ही डाउन हो चुका है। तो जिनका लोगों का पहले बजट हुआ करता था, वो बजट बड़ा स्क्वीज हो गया, बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई है। ओवरऑल ये बिजनेस जो है ऑलरेडी बिल्कुल डाउन पे आ गया है। कोरोना ने आपके काम पे क्या असर डाला है? कोरोना से काम पे बहुत असर पड़ा हुआ है, काम खत्म हो गया बिल्कुल। जब तक दवाइयाँ नहीं आती, ग्राहक है नहीं, बाहर का कस्टमर आ नहीं रहा है, काम का बुरा हाल है। बोनी बट्टी के लाले पड़े हुए हैं आजकल काम पे। तो बहुत इस वक्त आपकी स्थिति कैसी है? अभी स्थिति तो ये है कि खाने को मिल जाए वही बहुत है, मतलब आजकल स्थिति ये बोनी के लाले हैं। अभी तक बोनी नहीं करी, सुबह से माल लगा के बैठा हूँ 10 बजे से और अभी तक बोनी नहीं करी, एक कस्टमर भी नहीं आया पास। कोरोना ने आपके काम पे क्या असर डाला है और इस समय आपकी स्थिति कैसी है? मैडम, कोरोना से तो काफी काम पे बिल्कुल फर्क पड़ गया है। इस समय मार्केट में कस्टमर भी नहीं है, जब थोड़ा कस्टमर आ जाता है तो फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग करके वो होता रहता है कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग में रहो, बाकी कस्टमर का तो इफेक्ट पड़ा ही हुआ मैडम। अब आगे देखो कब तक चलते हैं। जैसे लॉकडाउन से पहले आपकी क्या स्थिति थी और उसमें अब क्या फर्क पड़ा है? लॉकडाउन से तो पहले बेटर था, लेकिन अब तो बिल्कुल खराब हो गया मैडम। 60% काम डाउन है हमारा, बिल्कुल जीरो है। और कोरोना से पहले आपके काम की क्या हालत थी और अब क्या है? मैडम, कोरोना से पहले तो काम बहुत अच्छा चल रहा था, सब मार्केट में सबका यही आ रहा है। कोरोना के बाद बिल्कुल काम जीरो ही है, बिल्कुल जीरो है जी, 60% सेल नहीं है। तो अभी जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं बाजारों में, पर दम नहीं है ग्राहक में, कस्टमर में परचेसिंग पावर नहीं है। उनको सस्ते से सस्ता चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए, परचेसिंग पावर खत्म है। मैम, कोरोना ने आपके काम पे क्या इफेक्ट डाला है और इस समय आपकी स्थिति कैसी है? बहुत बुरी स्थिति है, काम तो है ही नहीं, मार्केट पूरी खाली पड़ी है, काम हो ही नहीं रहा, कहाँ से हुए, ग्राहक ही नहीं आ रहा, कोरोना भी बढ़ता जा रहा, ग्राहक भी नहीं है, काम में बिल्कुल खाली है। बोनी बट्टा भी हो जाए बहुत बड़ी बात है, ग्राहक बहुत सोच समझ के आ रहा है और सोशल डिस्टेंस करना पड़ रहा है, एक आ रहा है तो दूसरे को वेट करना, इतने में ग्राहक निकल जाता है। तो लॉकडाउन से पहले आपकी क्या स्थिति थी? फिर भी अच्छा था, ग्राहक चलता फिरता था, आ रहा था ग्राहक, अब तो बिल्कुल ही, मतलब अब आप खुद ही देख रहे हो, मार्केट का हाल देख लो, बिल्कुल ही खाली है। हमारा क्या, हम तो चलो छोटे को बड़े दुकानदारों में शोरूम में ही नहीं घुस पा रहा कस्टमर। कोरोना से पहले कभी ऐसा हुआ है कि अब बाजारों की हालत ऐसी है जैसी अब कोरोना के टाइम पे है? कोरोना से नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले तो अच्छा था कि चलता फिरता था रौनक, क्योंकि बाहर से कस्टमर आ जाता था। अब बाहर का कस्टमर ही नहीं आ पा रहा, क्योंकि करोल बाग में ज़्यादा बाहर का ही कस्टमर आता है, लोकल तो फिर बहुत कम हो जाता है, बाहर का ज़्यादा डिपेंड रहता है, कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है। अब कोरोना का असर तो वाकई में पड़ा है, कोरोना का तो बहुत असर पड़ा है बिजनेस पे, तो काम धंधा बिल्कुल नहीं है। आर्थिक स्थिति बहुत डावाडोल है जी, बेइंतहा डावाडोल है, और काम जो है 15% है, जो सेल करते थे हम उसकी समझ लीजिए 15% मुश्किल से, वो भी लॉकडाउन से पहले। क्या हालत थी और अब क्या हालत है? लॉकडाउन से पहले तो फिर ठीक था जी, मगर अब जो है खत्म हो गई, कोई काम नहीं है बिल्कुल, सारा दिन खाली बैठे रहते हैं, घर बैठ नहीं सकते, वो हिसाब है, क्या करें घर बैठ के, तो दुकान पे आते हैं, दुकान पे कोई काम नहीं, खाली बैठ के चले जाते हैं। कोरोना ने आपके काम पे क्या असर डाला और इस समय आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? काफी असर डाला है कोरोना काम पे, आर्थिक स्थिति जैसे पहले थी अब कुछ नहीं है, ऐसी बहुत कम काम है,
कस्टमर खाली बैठे हैं ऐसे ही, इक्का दुक्का कस्टमर आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लॉकडाउन से पहले और अब में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। लॉकडाउन से पहले काम कुछ और था, अब कुछ और है। आपको लगता है सरकार इसके लिए कोई कदम उठा रही है कोरोना रोकने के लिए? दिल्ली सरकार उठाए भी हैं, नहीं भी उठाए हैं, लेकिन पब्लिक को कुछ नहीं पता इतना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस कुछ नहीं जान सकते। कोरोना ने आपके काम पे क्या असर डाला और इस समय आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? इस टाइम आर्थिक स्थिति पहले से बिल्कुल खत्म है, काम बिल्कुल नहीं है बाजारों में, बिल्कुल कैसे और चला तो बस बहुत बुरा हाल हो जाएगा। लॉकडाउन से पहले क्या हालात थे? लॉकडाउन से पहले बहुत अच्छा था, दाल रोटी बहुत अच्छी मिलती थी, और लॉकडाउन के बाद तो अभी तक बाजार जरा सा उठने लगता है तो कोरोना के केस बढ़ जाते हैं, फिर कंडीशन वहीं की वहीं आ जाती है। आपको लगता है सरकार कोरोना कम करने के लिए कोई कदम उठा रही है? कोशिश तो कभी कर रही है सरकार के, सब कुछ कर रहा है पर कोई कंट्रोल हो नहीं रहा है, कुछ लापरवाही लोग ज़्यादा बरत रहे हैं इस वजह से। अब देखो 10 दिन से पहले से दिल्ली में थोड़ा बहुत सुधार तो है जी, बाकी आगे शुक्र है मोदी जी ने कल बोला कि वैक्सीन आ रही है और हालात सुधरेंगे। कोरोना ने आपके काम पे क्या असर डाला है? बहुत असर डाला है, देख लो मार्केट खाली पड़ी है पूरी, कोई भी नहीं आ रहा, सबको डर इतना है कि लॉकडाउन ना हो जाए वापस, ये किसी को कुछ बीमारी वगैरह की प्रॉब्लम ना हो जाए। अब ये हमारी भी तो मजबूरी है, आना पड़ रहा है हमें काम के लिए। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? खराब ही है मैडम, बस काम चल रहा है, नहीं घर बैठ के भी क्या करेंगे, हम घर बैठना भी क्या रीजन है इसको, कुछ फायदा ही नहीं है घर बैठ के। लॉकडाउन से पहले जो हालत थी उसमें अब क्या फर्क है? लॉकडाउन से पहले ये था कि काम चल रहा था, किसी को डर नहीं था, मार्केट वगैरह आराम से घूमा जा रहा था। अब लॉकडाउन के बाद क्या हुआ है, कोरोना की न्यूज और इस लेटेस्ट जो चल रहा है इस टाइम तो अपडेट बढ़ती जा रही है, तो वैसे कोई मार्केट में आई नहीं रहा, अभी भी लोगों को डिस्टेंस वगैरह के लिए चलान वगैरह आते रहते, लेकिन डिस्टेंस कितना करें बताओ, इतना स्पेस ही नहीं यहाँ पे, कौन कितना डिस्टेंस रखेगा, कोई नहीं रहा। काम वगैरह में बहुत ज्यादा आर्थिक वो खराब हो रहा है हिसाब के। कोरोना ने आपके काम पे क्या असर डाला? बहुत असर डाला है, काम है ही नहीं आप देख। काम चल रहा है, फर्क तो कुछ नहीं है, खैर खास काम मंदा ही है। कोरोना ने आपके काम पे क्या असर डाला है और इस टाइम आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? बहुत परेशानी है जी इस टाइम, कोरोना के चक्कर में काम बिल्कुल ही नहीं है, पहले से 25% भी नहीं रह गया, रेंटल्स वहीं के वहीं है, सब कुछ काम बहुत मुश्किल है अभी तो। आपको लग रहा है कि सरकार कोरोना को कम करने के लिए कोई कदम उठा रही है? नहीं, गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, वो तो वैक्सीनेशन आएगी तो ही कुछ हो पाएगा, गवर्नमेंट से इससे क्या मतलब है, गवर्नमेंट तो अपना जो भी है अब टैक्सेस में कुछ रिलीफ दे कुछ इस तरह से जो इकोनॉमिक करके कर सकते हैं वो तो, बाकी बीमारी का तो जो कर ही रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए जो कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकती है? लॉकडाउन से पहले हमारे इतनी तो अर्निंग्स हम अपना घर चला पाते थे, इस टाइम तो माइनस में ही है, तो जो पहले की सेविंग्स है वही खत्म हो रही है धीरे धीरे, देखते हैं कब तक चलता है। कोरोना ने आपके काम पे क्या प्रभाव डाला? जीरो कर रखा काम तो, मार्केट में कस्टमर ही नहीं है। जो लॉकडाउन से पहले बाजार की हालत थी और अब उसमें क्या फर्क है? वो तो बहुत बढ़िया था, अब तो बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा, ये तो बैठने में मजबूरी है कि दुकान खोलनी है, कस्टमर नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? देख लो कैसे मिलने बैठे में बेकारी चल रही है, आर्थिक स्थिति बेकारी चल रहा है काम तो अभी बिल्कुल। लॉकडाउन से पहले जो काम था और आपके काम में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, अभी बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल मार्केट सारे चौपट हो गया, काम तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, अब जगह आगे पता नहीं क्या होगा उसके। तो जैसा कि हमने देखा कि लोगों का कहना है उनकी कोरोना से आर्थिक स्थिति पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और अभी तक उनका काम ठप चल रहा है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना ये भी है कि कोरोना की वजह से उन्हें खाली बैठकर ही घर वापस लौटना पड़ता है और वो इसी आशा में है कि उनका काम और आर्थिक स्थिति कब पहले जैसी होगी। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, कैमरा वुमेन खुशबू के साथ काव्या, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर